इसलिए आपने उनका कमरा बाहर से बंद कर दिया। जब आपने सवेरे कमरा खोला तो बाबा जी दिखाई नहीं दिए, वे रात्रि में ही गायब हो गए थे। नैनीताल से आए श्री तुलाराम साहा, वकील श्रीमान नंदन भाई गिरीश आदि अनेक भक्तगण बाबा जी के दर्शनार्थ चर्च लेन में निवास कर रहे थे। वकील साहब बाबा जी के समक्ष यदा कदा गुनगुनाया करते थे। मशक समान रूप कपधरी उनका संकेत यही था कि बाबा जी आप स्वयं हनुमान हो। एक दिन प्रातः प्रसाद वितरण के बाद बाबा जी अपने कमरे से होकर बगल के छोटे कमरे में गए। उन्होंने वहाँ ज़मीन पर अपना बिछौना लगवाया और बोले, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम एकांत में आराम करेंगे। कोई उनसे मिलने ना आए, इसलिए उन्होंने उस कमरे को सब ओर से भली भांति बंद करवा कर बाहर से ताला लगवा दिया, जिसकी चाबी वकील साहब को दिलवा दी ताकि कमरा आसानी से खोला ना जा सके। मध्याह्न का समय था। संयोगवश बाथरूम से बाहर आते श्री माँ की दृष्टि खिड़की से बाहर महाराज जी पर पड़ी, जो पड़ोस में एलनगंज की ओर जा रहे थे। माँ ने यह आश्चर्यजनक जानकारी उसी क्षण सबको दी। यथार्थ जानने के लिए वकील साहब को ताला खोलने के लिए मजबूर किया गया। तब बाबा जी वहाँ नहीं थे। बाबा जी का पीछा करते हुए वकील साहब और गिरीश जी ने एलनगंज में लेखक के बहनोई श्री प्रकाश चंद्र जोशी के घर की सीढ़ियाँ चढ़ते बाबा जी को पकड़ लिया। उधर जोशी जी भी बाहर आए, आपने सबका स्वागत किया। बाबा जी के पूजन के बाद उनका भोग लगाया जा रहा था, तभी चर्च लेन से अन्य भक्तगण एवं माइयाँ वहाँ आ गईं। बाबा जी की अलौकिकता छिप नहीं पाई थी, वे मुस्करा रहे थे और वकील साहब की ओर देखकर गुनगुना रहे थे, मशक समान रूप कपधरी। इसी प्रकार की एक घटना नैनीताल में भी देखी गई। श्री राम रूप सिंह कमिश्नर के घर भी आकर बाबा जी दर्शन दे दिया करते थे। जब कभी ऐसा अवसर आता, कमिश्नर साहब बाबा जी की सेवा में लगे रहते और उनके सानिध्य को छोड़ नहीं पाते थे। बाबा जी रात्रि में भी दिन की भांति विचरण किया करते थे। एक बार रात्रि में भोजन कराने के बाद कमिश्नर साहब ने उनसे शयन करने का आग्रह किया। बाबा जी ने उनकी बात मान ली और वे सोने का नाटक करने लगे। आपको विश्वास हो गया कि बाबा जी सो गए हैं। अगले दिन प्रातःकाल भी उनके दर्शन हो सकें, इसलिए आपने उनका कमरा बाहर से बंद कर दिया। जब आपने सवेरे कमरा खोला तो बाबा जी दिखाई नहीं दिए, वे रात्रि में ही गायब हो गए थे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो।